छोटियां छोटियां कोशिशां साड़ी जिंदगी विच बड़ी तब्दीली लिया सकदियां ने। अजिहा ही कुछ नोबल फाउंडेशन वालों किया जा रहा है। माँ शारदा विद्यापीठ पंजाब भर में लोड़वंद बच्चों लिए बहुत सारे स्कूल खोल के ना सिर्फ सिक्ख्या का महान दान दे रही है सगों उन्हां विच मौजूद वख वख हुनरां अते प्रतिभावां नूं विकसित करन विच भी मदद कर रही है। नोबल फाउंडेशन के बच्चे बहुत होनहार ने अते उन्हां दी प्रतिभा नूं होर निखारन लई नोबल फाउंडेशन वल्लों हर साल गर्मियां दीआं छुट्टियां दौरान बच्चों लई समर कैंप लगाया जांदा है। इस साल गर्मियां दीआं छुट्टियां दौरान 6 जून तो 14 जून तक समर कैंप चलाया जांदा है जिस विच नोबल फाउंडेशन दीआं वख-वख शाखावां दे 207 बच्चों ने वख-वख गतिविधियां विच बड़े उत्साह नाल भाग लिया जिस विच बिहारी कलोनी दे बच्चों ने पेंटिंग BRS नगर ब्रांच के बच्चों ने डांस किया दौलत कॉलोनी के बच्चों ने केक अते कुकिंग क्लासा मुंडिया कलां के विद्यार्थियों ने संगीत सिखाया ताजपुर शाखा के बच्चों ने आर्ट एंड क्राफ्ट अते न्यू सुभाष नगर अते टिब्बा रोड के बच्चों ने एबेक सिखाया। आज नोबल फाउंडेशन के इस समर कैंप के समापन कार्यक्रम में आने का सौभाग्य मिला। बच्चे सब बड़े प्रतिभाशाली हैं, उनके द्वारा जो कुछ प्रदर्शन किया गया उसको देख के इस बात का सुकून मिला कि नोबल फाउंडेशन बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। नोबल फाउंडेशन इस तरीके से काम करती रहे और ये बच्चे आने वाले समय में देश का सुखद और उज्ज्वल भविष्य बने, ये कामना मंगल कामना नोबल फाउंडेशन के लिए करता हूँ। बच्चों को एक ही मैसेज है कि संसार में असंभव कुछ भी नहीं है, अपने मन में बड़े सपने देखो और उन सपनों को देखने के लिए पूरी मेहनत झोंक दो, सफलता एक दिन तुम्हारे कदम चूमेगी। मुझे यहाँ नोबल फाउंडेशन पे आने का हर बार बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं अपने आप को भाग्यशाली महसूस करती हूँ और मैं यहाँ जब भी आती हूँ मैं इतनी गर्व से मेरा सीना फूला नहीं समाता, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे अपने देश का उज्ज्वल भविष्य नज़र आ रहा है। मुझे इन बच्चों की आंखों में इतनी चमक और इनके माँ बाप की डेडिकेशन, इन टीचर्स की डेडिकेशन और राजेंद्र जी की डेडिकेशन नोबल फाउंडेशन चलाने में, मुझे लगता है हमारे देश का भविष्य उज्ज्वल ही उज्ज्वल है। धन्यवाद। बच्चों के साथ क्या मैसेज देंगे, बच्चे के पेरेंट्स को, बच्चों को? आज तो मैं गुरु जी से मैसेज लेकर जा रही हूँ कि दो अनमोल चीज़ें जो हमें बच्चों को सिखानी चाहिए कि जो अमूल्य चीज़ें हैं वो है वक्त और दूसरा है मेहनत। और विद्या एक ऐसा अनमोल चीज़ है जिस आप अगर समय लगाए वक्त लगाए आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। आज नोबल फाउंडेशन के इस समर कैंप के समापन कार्यक्रम में आने का सौभाग्य मिला। बच्चे सब बड़े प्रतिभाशाली हैं, उनके द्वारा जो कुछ प्रदर्शन किया गया उसको देख के इस बात का सुकून मिला कि नोबल फाउंडेशन बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। नोबल फाउंडेशन इस तरीके से काम करती रहे और ये बच्चे आने वाले समय में देश का सुखद और उज्ज्वल भविष्य बने, ये कामना मंगल कामना नोबल फाउंडेशन के लिए करता हूँ। बच्चों को एक ही मैसेज है कि संसार में असंभव कुछ भी नहीं है, अपने मन में बड़े सपने देखो और उन सपनों को देखने के लिए पूरी मेहनत झोंक दो, सफलता एक दिन तुम्हारे कदम चूमेगी। मुझे यहाँ नोबल फाउंडेशन पे आने का हर बार बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं अपने आप को भाग्यशाली महसूस करती हूँ और मैं यहाँ जब भी आती हूँ मैं इतनी गर्व से मेरा सीना फूला नहीं समाता, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे अपने देश का उज्ज्वल भविष्य नज़र आ रहा है। मुझे इन बच्चों की आंखों में इतनी चमक और इनके माँ बाप की डेडिकेशन, इन टीचर्स की डेडिकेशन और राजेंद्र जी की डेडिकेशन नोबल फाउंडेशन चलाने में, मुझे लगता है हमारे देश का भविष्य उज्ज्वल ही उज्ज्वल है। धन्यवाद। बच्चों के साथ क्या मैसेज देंगे, बच्चे के पेरेंट्स को, बच्चों को? आज तो मैं गुरु जी से मैसेज लेकर जा रही हूँ कि दो अनमोल चीज़ें जो हमें बच्चों को सिखानी चाहिए कि जो अमूल्य चीज़ें हैं वो है वक्त और दूसरा है मेहनत। और विद्या एक ऐसा अनमोल चीज़ है जिस आप अगर समय लगाए वक्त लगाए आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।